दुनिया भर के सभी देशों के खिलाड़ी इस वक्त पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिजली दे बिल बड़े बिल आउंदे सी, इस बार 600 यूनिटा 2 महीने दे माफ ने। बहुत सारे घरां दा बिजली दा बिल माफ हो गया होना, जीरो बिल आउंदा होना। 3-4 हजार रुपया जे बिजली दे बिल दा बचन लग गया, कबीलदारी ली ते चढ़ जांदी है। एक तां बिल नहीं खड़ा सी, कहिंदा जी मैनू आए सी वी 2-3 महीने जीरो करनगे, फिर कहिंदे ने उत्थे आ जांदा। कहिंदा जी तां हटदे ही नहीं आउणो जीरो बिल। मैं कहा भी इह तां हुण ही आउणगे। कहिंदा भी मैं नहीं सोचा सी कदे कि बिजली दा बिल जीरो आऊ। मेरा नाम जतिंदर कौर है, मैं पिंड मालड़ी की रहने वाली हाँ। साडा बिल बहुत आंदा सीगा, जदों दे भगवंत मान सरकार ने बिल माफ किए उदों दा साडा बिल जीरो आन लग गया, जिदे करके साडी बहुत हेल्प हुई है। जिहड़े पैसे असीं बिल दे बचाने हो, असीं इनवैसट करदे हाँ। मैं एक शॉपकीपर हाँ ते मैं उहदे विच इनवैसट करदी हाँ, जिहदे नाल मैनूं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होया है। मैं भगवंत मान का कह दिलों सत्कार करदी हाँ ते उहनां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार। लगातार एक के बाद एक हमारे सामने परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन आज एक परिणाम बेहद दिलचस्प बन गया है। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने इस बार पेरिस के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका। वहीं गोल्ड के प्रबल दावेदार माने जा रहे नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अरशद नदीम की जीत से पूरा पाकिस्तान गदगद हो उठा, चारों तरफ जश्न का माहौल है। दुनिया भर में अपनी विशेष छवि के विख्यात इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पाकिस्तान ने ठीक 32 सालों बाद ये कोई ओलंपिक मेडल जीता है। दोनों पड़ोसी देश होने की वजह से चर्चा गर्म है। भारत से पाकिस्तान तक अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की खूब बात की जा रही है। माहौल को भांपते हुए अरशद नदीम ने भी गर्म तवे पर हथौड़ा मारा है। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाले पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी अरशद नदीम इस बात से काफी खुश है कि भारतीय सुपरस्टार नीरज चोपड़ा के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता को लेकर दोनों पड़ोसी देशों के बीच क्रिकेट के लिए जितनी ज्यादा चर्चा हो रही है उससे फायदा ही होगा, क्योंकि अरशद नदीम का मानना है कि इससे दोनों देशों के युवाओं के खेल के प्रति लगाव बढ़ेगा। नदीम ने गुरुवार रात 92.97 मीटर के सनसनीखेज खेलों के रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपने 11 मुकाबलों में पहली बार चोपड़ा को हराया है। चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता, जिससे उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता में एक और अध्याय जुड़ गया। अरशद नदीम ने अपने प्रदर्शन के बारे में कहा, मैं अपने देश पाकिस्तान का आभारी हूँ। पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए काफी दुआएं की और मुझे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। मैं पाकिस्तान में बेस्ट एथलीट रहा 100 डिवीजन लेवल पर। फिर मेरे कोच ने कहा कि सारा कुछ छोड़ दें और जेवलिन की तरफ आएं। आपकी फिजिक अच्छी है, तब मेरा शौक था क्रिकेट। बड़े भाई ने भी कहा कि मैं एथलेटिक्स करूं। इस तरह मैं एथलेटिक्स में आया। पिछले कुछ सालों में मुझे घुटने में चोट लगी और मैं इससे उभर गया। मैंने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की। मुझे 92.97 मीटर से आगे फेंकने का भी भरोसा था, लेकिन वो थ्रो मेरे लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए काफी था। मैं आगे भी कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा और आने वाले दिनों में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मैं इस निशान से भी आगे थ्रो फेंकने की योजना बना रहा हूँ। इसके अलावा 27 साल के अरशद नदीम ने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि क्रिकेट मैचों और अन्य खेलों की बात करें तो निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्विता होती है, लेकिन साथ ही ये दोनों देशों के युवाओं के लिए अच्छी बात है कि वो हमारे साथ चलें और अपने देशों का नाम रोशन करें। अरशद नदीम साल 1988 के सियोल ओलंपिक के बाद पाकिस्तान के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता भी हैं, जहां मुक्केबाज हुसैन शाह ने मिडिलवेट कांस्य पदक जीता था। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा मैदान पर कड़े प्रतिद्वंदी होने के बावजूद मैदान के बाहर अच्छे दोस्त हैं। कुछ महीने पहले जब अरशद नदीम ने एक बेहतरीन भाला खरीदने के लिए सोशल मीडिया पर धन की अपील की थी, तो नीरज चोपड़ा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आगे आकर उनका समर्थन किया। 6 फीट से अधिक लंबे अरशद नदीम गुरुवार रात के फाइनल में डार्क हॉर्स थे, जहां नीरज चोपड़ा शीर्ष क्वालिफायर के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन 90 मीटर से अधिक के प्रयास के साथ 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी अरशद नदीम ने 90 मीटर से अधिक की दूरी से 2 थ्रो करके सबको चौंका दिया। उनमें से एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड था, जो पहले नॉर्वे के एंड्रियास थोर किल्सन के नाम था, जिन्होंने 2008 बीजिंग खेलों में 90.57 मीटर की दूरी तय की थी।
फिलहाल बचपन में कहीं सीखा था कि खेल मिलाप कराते हैं, आज ये वास्तविकता में तब्दील होती देखी है। इस पूरी किस्सा गोई के बीच सबसे ज्यादा तारीफ नीरज चोपड़ा की मां की हो रही है, जिन्होंने अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर कहा कि कोई बात नहीं, वो भी तो मेरा बेटा है। अब नीरज चोपड़ा की मां के इस बयान के बारे में पाकिस्तान से लगातार भारत तक की मशहूर हस्तियां यही कह रही हैं कि ऐसी बात एक मां ही कह सकती है और इतना बड़ा दिल सिर्फ एक मां का ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।